अस्सलामुअलैकुम गाइस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कॉम्प्लेक्स हार्ट सरफेस मॉडल कैसे हम लोग बनाते हैं माया के अंदर। अक्सर जो बिगनर्स होते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम आती है कि जो कॉम्प्लेक्स शेप्स होते हैं, खासकर जो मैकेनिकल शेप्स होते हैं, उनको वो समझ नहीं पाते हैं कि वो एक्चुअली उस मॉडल को कैसे बनाएंगे। वो जो डिज़ाइंस, वो जो शेप्स होते हैं, वो अक्सर बिगनर्स लोगों को ये समझ में नहीं आता। तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे कि कॉम्प्लेक्स टाइप के हार्ड सरफेस मॉडल्स जो होते हैं वो हम लोग कैसे बनाएंगे, कैसे उन्हें क्रिएट करेंगे। तो गाइज़, आप अभी देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर मेरे पास एक ग्रेनेड की एक तस्वीर है। तो ये जो आप ग्रेनेड देख रहे हो, मुझे इसे ही मॉडल करना है। अब आप देख सकते हो इसके जो शेप है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टाइप का है। मैकेनिकल शेप जो होते हैं वो वैसे भी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो इसे हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए। सबसे पहले तो आप ये करें कि आप ओवरऑल जो शेप आपको चाहिए, जो जो भी डिज़ाइन, जो भी मॉडल आप बनाना चाहते हो, सबसे पहले आप उसको देखो कि बेसिकली उसमें कौन सा शेप आपको नज़र आ रहा है। आप माया में जो बेसिक प्रिमिटिव्स हैं उसके हिसाब से देखो कि उसमें कौन सा शेप, कौन सा प्रिमिटिव आपको नज़र आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ देखूँ, अगर इसकी जो बॉडी की बात करूँ, तो ओवरऑल ये जो पूरी बॉडी है आप देख सकते हो, वो ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक सिलेंडर है। जैसे माया के अंदर एक सिलेंडर होता है, वो बस एक सिलेंडर है, ठीक है। और ये जो आप देख सकते हो, इसके जो फेसेस हैं वो अंदर की तरफ ऐसे एक्सट्रूड हो रहे हैं। तो कुछ नहीं है, वो बस एक सिलेंडर है जिसके जो फेसेस हैं वो अंदर की तरफ एक्सट्रूड हो रहे हैं। यहाँ भी आप देख सकते हो, ये कुछ नहीं है, बस एक सिलेंडर है, ठीक है। सिलेंडर है जिसको थोड़ा सा यहाँ से ऐसे डाउन कर दिया गया है इस साइड से, ठीक है। ये वाला भी आप देख सकते हो, ये जो रिंग है ये टॉरस है, बस एक टॉरस है, थोड़ा मॉडिफाई किया गया है यहाँ पे। और ये जो आप शेप देख रहे हैं ये कुछ नहीं है, बस एक बॉक्स को लेकर बनाया गया, जो क्यूब होता है हमारा, क्यूब को लिया गया है और उसे थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है, उसको शेप दिया गया है ऐसे। तो बेसिकली आप अपने मॉडल को ना अलग अलग भाग में डिवाइड करके उसको पहले एनालाइज करें कि उनमें कौन सा शेप आपको नज़र आ रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं, हमें एक सिलेंडर नज़र आया और एक टॉरस नज़र आ गया और यहाँ पर एक क्यूब नज़र आ गया। तो बेसिकली ये क्यूब, टॉरस और सिलेंडर लेके ही ये पूरा शेप बना है। तो आपको एक मोटा मोटी आइडिया मिल जाएगा कि हम लोग इस तरह के कॉम्प्लेक्स शेप्स को कैसे बना सकते हैं। तो आइए हम माया पे चलते हैं और फिर देखते हैं कि इसे हम लोग कैसे बनाएंगे। तो गाइज़, ये मेरा माया है और यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने उसी इमेज को एक रेफरेंस के तौर पे ले लिया है। ये जो एप्लीकेशन मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ उसका नाम है प्योर रेफ। ये बहुत ही अच्छा एक एप्लीकेशन होता है रेफरेंस को अब साइड बाई साइड रखने के लिए। ये एक एज अ सेकेंड मॉनिटर की तरह काम करता है। आप बस जैसे सेकेंड मॉनिटर में लोग रेफरेंस को रखते हैं, अब वैसे अगर आपके पास सेकेंड मॉनिटर नहीं है तो यहाँ पर एक विंडो उसका ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आप अपना रेफरेंस रख सकते हो साइड में। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये एक फ्री एप्लीकेशन है, आप डाउनलोड कर सकते हो। तो देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि ये जो पूरा शेप है ये एक सिलेंडर है और इसके फेसेस अंदर की तरफ एक्सट्रूड हो रहे हैं। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए। अगर आप सोच रहे हो कि अगर ये इससे ये जो सिलेंडर है तो मैं डायरेक्ट बस एक सिलेंडर लेकर काम शुरू कर दूं, तो आप फंस जाएंगे, आप नहीं बना पाएंगे ऐसे करके। सपोज़ करिए अगर मैं डायरेक्ट ऐसा सिलेंडर ले लेता हूँ और सोचता हूँ कि उसमें बस फेसेस को अंदर की तरफ एक्सट्रूड कर दूँ, तो आप फंस जाएंगे, ऐसे नहीं बन पाएगा। थोड़ा आपको दिमाग लगा के अलग तरह से बनाना पड़ेगा। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ ले रहा हूँ प्लेन, ठीक है। प्लेन ले लिया, इसे फ्रंट व्यू में ले जाएंगे और इसे सामने की तरफ कर देंगे, घुमा देंगे। अब क्या करेंगे, इसके सब डिवीज़न को आप कम कर लीजिए, बस इतना हम रखते हैं। देखिए प्लेन जो होता है वो मेरा बेसिकली फेवरेट है। प्लेन के ज़रिए आप कुछ भी बना सकते हो, कैसे भी करके आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो प्लेन की मदद से। दूसरे जो माया में प्रिमिटिव्स हैं वो उतने ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होते हैं बहुत से जगहों पे, लेकिन प्लेन जो है वो आप किसी भी जगह पे, किसी भी शेप में आप प्लेन को लेकर जा सकते हो, प्लेन को बना सकते हो। तो ये मैंने ऐसे बनाया। अभी मैं क्या करूँगा,
गाइज मैंने ये वाला पूरा एक शेप बना दिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, जस्ट एक प्लेन ले लिया है और अलग अलग मल्टी कट टूल के जरिए यहाँ अंदर में एक ऐसा शेप बना दिया, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, जस्ट इसे सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे, और शिफ्ट और ये ग्रेटर देन वाला की जो आप प्रेस करेंगे तो वो क्या करता है, एक्सपेंड करता है और आसपास के जो फेसेस हैं उनको भी सिलेक्ट कर लेता है। तो मैंने इनको भी सिलेक्ट कर लिया ये। अभी क्या करूँगा, मैं इसे अंदर की तरफ एक्सट्रूड कर दूंगा, ये ऐसे एक्सट्रूड हो गया थोड़ा से ऐसे। तो इस तरह का कुछ हमने शेप बनाया। अभी हम लोग क्या करेंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे और इसे ड्रैग करेंगे। तो यहाँ पर हमने इतनी दूर तक इसे ड्रैग करना है। बेहतर होगा अगर मैं इसे फ्रंट व्यू पे ले जाऊँ, और अब अगर मैं इसे ड्रैग कर दूँ ऐसे, ठीक है। तो अभी देखो हमें क्या करना है, इसके जो एजेस हैं ये साइड वाले एजेस बिल्कुल इस वाले के भी बिल्कुल एक साथ में मिलना चाहिए, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। ये कर दिया। अब हमें शिफ्ट डी प्रेस करना है और बिल्कुल इसे क्लोन करते ले जाना है। सपोज करिए हमने इतना क्लोन कर दिया, तो यहाँ बेसिकली 10 हैं, 10 बार मैंने इसे क्लोन किया है। अभी मैं क्या करूँगा, सबको एक साथ पकड़ूँगा और इसे कर देंगे हम लोग कंबाइन। कंबाइन होने के बाद क्या करेंगे, हिस्ट्री डिलीट, सेंटर पिवट एंड फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ जाएंगे डिफॉर्म में, यहाँ एक आता है नॉन लीनियर और इसके अंदर आता है एक ऑप्शन बेंड का। ये क्या करता है, चीज़ों को बेंड करता है। एट्रीब्यूट एडिटर में जाएंगे, ठीक है। ये बेंड में यहाँ एक ऑप्शन आता है कर्वेचर, इसके ज़रिए आप इसको अलग अलग शेप में आप इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। अभी देखिए ये जो हमारा आप देख सकते हैं ना, बीच में एक देखो कर्व के बिल्कुल बीचों बीच में एक जो आपको ये डंडा दिखाई दे रहा है, ये बीच वाला जो है ये उसका नॉर्मल है, ये उसका एक्सिस है समझ लीजिए कि जहाँ से वो बेंड हो रहा है। और ये जो कर्व वाला है ना, वो एक्चुअल में आपको बता रहा है कि वो किस एंगल में कर्व हो रहा है। अभी ये इस एंगल में दिखा रहा है, ठीक है। बेसिकली ये वाई एक्सिस में कर्व हो रहा है, तो मुझे ये नहीं चाहिए, हमें ऐसे एक्स एक्सिस में कर्व करना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा देंगे, ऐसे कर दिया और इस कर्व को ऐसे कर दिया। अभी देखिए इसका जो एंगल है कर्व का वो हमारे शेप के बिल्कुल पैरेलल हो गया है, ठीक है। उसके बाद हम इसे यहाँ से लेके जाएंगे और पूरा 180 डिग्री तक इसे घुमा देंगे। अभी देखिए ये पूरा 180 डिग्री घूमने के बाद ये पूरा सर्कुलर शेप में आ गया, ठीक है। वही सर्कुलर शेप जिसकी हमने बात की थी कि हमें सिलेंड्रिकल शेप में बनाना है, तो हमने इस तरह से बनाया। अब आप ये पूछेंगे भाई इतना झमेला करके बनाने की क्या ज़रूरत थी, तो देखिए ज़रूरत पड़ जाती है। आप अगर सोचेंगे कि हर काम डायरेक्ट हम लोग बेसिक प्रिमिटिव लेके करेंगे तो वो प्रॉब्लमेटिक होता है। अगर इस तरह का शेप अगर आप देख रहे हो कि एक सिलेंड्रिकल फॉर्म है जैसे यहाँ पर है, इस पे अगर आप देखें तो क्या होता है कि इस तरह के जो शेप है जो एक पूरा सिलेंड्रिकल फॉर्म में ऐसे एक्सट्रूड किया हुआ, ये एक रिपीटेशन है। मतलब एक तरह का जो शेप है वो रिपीट किया हुआ है, जो यहाँ है सेम उसके बगल में, सेम उसके बगल में, सेम उसके पीछे, मतलब घूमते हुए ये पूरा रिपीट हो रहा है। तो इस तरह का जो रिपीटेशन वाला जो शेप्स होते हैं उसको हमें बनाने का यही तरीका होता है कि पहले एक शेप आप बना लो, उसे कॉपी कर लो, सारे को कंबाइन कर लो और फिर बेंड करके उसे एक सर्कुलर फॉर्म में ले आओ। यही तरीका होता है ऐसे रिपीटेटिव शेप्स को बनाने के लिए। तो हमने ये बना दिया। अभी देखिए हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली अभी हमने कंबाइन तो कर दिया लेकिन इसके जो वर्टेक्स हैं वो एक्चुअल में मर्ज नहीं है। अगर मैं एक वर्टेक्स यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ दिखला रहा है टू वर्टेक्स काउंट टू, यानी कि ये एक वर्टेक्स नहीं है बेसिकली, ये दो वर्टेक्स आप देख सकते हो यहाँ पे, दोनों वर्टेक्स बेसिकली जुड़े हुए नहीं हैं, ठीक है। तो हमें इन्हें मर्ज करना होगा। वर्टेक्स को कैसे मर्ज करेंगे, हमने इसे सेलेक्ट किया, सारे वर्टिसेस सेलेक्ट हो गए, यहाँ जाएंगे हम लोग सिलेक्ट में, उसके बाद आता है सिलेक्ट सिमिलर। ये क्या करता है, बेसिकली जैसे हमने यहाँ सेलेक्ट किया ना, तो सेम आप देखो सेम चीज़ यहाँ भी है, सेम चीज़ यहाँ भी है, तो एक जैसे वर्टेक्स जहाँ भी वो देखेगा सिस्टम अपने आप उन सबको सिलेक्ट कर लेगा। तो मैं पहला रो हमने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद जाएंगे सिलेक्ट में, यहाँ आता है सिमिलर,
और क्लिक कर देंगे। अभी आप देखो जितना भी है वो सारे एक जैसे वालों को उसने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ देख सकते हो वर्टेक्स कौन 220 दिखला रहा है। अभी हम लोग क्या करेंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे, राइट माउस बटन, मर्ज वर्टेक्स और यहाँ पे मर्ज वर्टिसेस क्लिक कर देंगे। अभी देखिए 210 से, सॉरी 220 था और यहाँ 110 हो गया, मतलब हाफ हो गया, यानी कि दो वर्टिसेस एक में मर्ज हो गए, तो इसलिए आधा दिखा रहा है। तो ये वर्टेक्स काउंट से भी आप समझ सकते हो कि आपका जो वर्टेक्स मर्ज हुआ है वो सही हुआ है या नहीं, बिल्कुल आधा आधा हो गया ये। बस हमने जो शेप हमें चाहिए था वो शेप हमने अचीव कर लिया, और फिर फ्रेस ट्रांसफॉर्मेशन, हिस्ट्री डिलीट। और ये अभी हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए बेंड की वजह से ये क्या हुआ है कि ये एक्सिस से कितना दूर चला गया, तो हम लोग इसे भी एक्सिस में ले आएंगे। तो ये हमने बना दिया। एक बार अगर हम थ्री प्रेस करें, आप देख सकते हो कि मोटा मोटी हमने वो शेप जो हमें चाहिए था वो हमने अचीव कर लिया है। तो ये हम लोग क्या करेंगे, ये लेंगे और यहाँ पर एक लगा देंगे ऐसे। तो ये क्या करेगा, इसके शेप को होल्ड करके रखेगा, और सेम काम हमें सब में करना है। तो हमने क्या किया, सारे जगह हमने ये सपोर्टिंग एजेस लगा दिए। अब अगर हम थ्री प्रेस करते हैं तो अभी देखिए ये शेप को बहुत बड़े ही अच्छे से ये होल्ड कर रहा है। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए ये ऊपर में जाके थोड़ा ऐसे अंदर की तरफ डाउन हो रहा है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग मैनुअली नहीं, इसे भी प्रोसीजरल करेंगे। हम लोग यहाँ पर जाएंगे डिफॉर्म में, नॉलीनियर, सॉरी डिफॉर्म नॉलीनियर, यहाँ होता है फ्लेयर, फ्लेयर पे क्लिक करेंगे, एट्रीब्यूट एडिटर्स में जाएंगे। यहाँ देखिए ये होता है स्टार्ट एक्स, स्टार्ट जी, एंड फ्लेयर एक्स, एंड फ्लेयर जी। ये क्या करता है बेसिकली, अगर मैं इसे घुमाता हूँ तो देखिए ये नीचे वाले हिस्से को स्ट्रेच कर रहा है, ये एक्स एक्सिस में इसने स्ट्रेच कर दिया, ये वाला नीचे जो है वो जी एक्सिस में स्ट्रेच करता है, ठीक है, ये नीचे वाले पार्ट को करेगा, और सेम ये जो होता है ये ऊपर वाले पार्ट को करेगा, एक्स एक्सिस और जी एक्सिस में, ठीक है। ये होता है कर्व, जो बेसिकली उसके कर्व को देखता है कि इसे कर्व कितना, देखिए ये अंदर की तरफ ये बेंड हो गया है, ठीक है, और ये लोअर बाउंड और हाई बाउंड पे देखता है। तो हम लोग बेसिकली कंट्रोल जी करके हम लोग बाहर जाएंगे। तो अभी हमें क्या करना है, हमें ऊपर वाले को थोड़ा डाउन करना है, मतलब एंड पे। तो हम लोग क्या कर देंगे, इसे 0.5 कर देंगे और इसे भी 0.5 कर देंगे, ठीक है। ये वाला जो लोअर बाउंड है इसे थोड़ा सा ऊपर ऐसे कर देंगे हम लोग, इसे मैन्युअली आप चाहे तो ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप भी आप एडजस्ट कर सकते हो। सब उसके लिए यहां तक हमने कर दिया, ठीक है। अब हम अपने शेप से सेटिस्फाई हैं, हम इसे जाएंगे ब्रेक कनेक्शन कर देंगे और हम जैसा चाहते थे हमें वो मिल गया, ठीक है, देख सकते हो हमें वो शेप मिल गया। उसके बाद क्या करेंगे, ये ऊपर में कुछ इस तरह का शेप है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे यहाँ पे जाएंगे, थोड़ा सा इसे अंदर की तरफ ले जाएंगे, इसे भी थोड़ा सा अंदर की तरफ डाउन कर देंगे, ये हो गया। और नीचे की तरफ ये थोड़ा ज़्यादा है, तो हम इसे भी यहाँ से डाउन करेंगे अंदर की तरफ लगभग इतना, और इसे अंदर की तरफ ऐसे एक्सट्रूड कर देंगे। फिर सारे एजेस को हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, ये वाला, और यहाँ पे कंट्रोल बी प्रेस करके बेवल क्रिएट कर देंगे। सेगमेंट काउंट मैं 3 रखता हूँ और इसे फ्रैक्शन को 0.3, ठीक है, एक बार आप देख लीजिए। अभी हमारा शेप कुछ इस तरह से दिख रहा है। ठीक है जी, ओके, इसे ना थोड़ा सा ऊपर की तरफ हम लोग ले जाते हैं। अब हम लोग बनाएंगे नीचे वाला पार्ट। देखिए नीचे वाला पार्ट भी बिल्कुल सेम है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, लगभग ये सेम ही है।
हम लोग क्या करेंगे, इसे ही हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे नीचे की तरफ में, बट अगर आप नीचे में देखो तो नीचे में उतना ज़्यादा कर्व नहीं है ये, है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मैं बेसिकली इसके ये जो एजेस है ना इनको मैं डिलीट कर रहा हूँ, ये हमने कुछ इस तरह से कर दिया, ठीक है जी। फ्रंट व्यू में जाएंगे, ये वाला थोड़ा सा ऐसे कर देंगे, ओके। तो इसे हमने थोड़ा सा एडजस्ट किया और इसे ऊपर की तरफ हमने एक्सट्रूड कर दिया, ठीक है। अभी हम देखेंगे, ये हमारे पास है एक छल्ला, ये वाला, इसे कैसे बनाएंगे। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, बेसिकली मैं एक काम कर सकता हूँ कि इसे यहाँ पे एक मल्टी कट ऐड करूँगा, या मल्टी कट नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ से एक लेता हूँ, इसे एक फेस सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से फेस सेलेक्ट हो गया, और यहाँ जाएंगे, यहाँ कर देंगे डुप्लीकेट फेसेस, ठीक है। इससे क्या होता है कि सेम चीज़ हमारा यहाँ पे डुप्लीकेट हो गया, है ना, ये हो गया। और इसे हम लोग यहाँ नीचे डाउन कर देंगे, ये ऐसे हो गया, इसे यहाँ तक रखेंगे, इसे एक बार आइसोलेट करेंगे और इसे यहाँ पे अंदर की तरफ ले जाएंगे, और इसे भी हम लोग, ये हो गया। अभी देखिए बीच में यहाँ पर एक और रिंग जैसा कुछ बन रहा है, बीच में कैसे कट लगा देंगे। इसे अंदर की तरफ डाल देंगे, अभी आप देखो यहाँ पर एक गोल ऐसा एक कुछ सर्कल जैसा बनकर आ रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक मल्टी कट लेंगे और बीच में ऐसे अप्लाई कर देंगे, और इन चार को ऐसे सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद सेलेक्ट में जाएंगे, यहाँ सिमिलर है उस पर क्लिक करेंगे, एक बार रिसेट कर देंगे और अप्लाई करके देखेंगे। तो देखिए जब हमने रिसेट किया तो इसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं आगे 0.01 में करके देखते हैं। तो अभी देखिए इसने क्या किया है, हर चार फेसेस के गैप में इसने सेलेक्ट कर लिया है, विच इज़ कूल। हम लोग इसे सेलेक्ट करेंगे, हम लोग यहाँ पे कंट्रोल ई प्रेस करेंगे, और ऑफसेट में हम लोग यहाँ कर देंगे 0.01, 0.05 तक रखते हैं, और यहाँ पर हम लोग प्रेस कर देंगे सर्कुलाइज। सर्कुलाइज के बाद यहाँ पे आता है ट्विस्ट, इसे हम लोग थोड़ा ट्विस्ट करेंगे, और यहाँ पे आता है रेडियल ऑफसेट, इसको हम लोग थोड़ा सा लाइक 0.1, ये ज़्यादा हो जाएगा, 0.2, अभी दोबारा से कंट्रोल ई प्रेस करके इसे अंदर की तरफ प्रेस कर देंगे, अभी हमें कुछ इस तरह का शेप मिल गया। अभी क्या करेंगे, हम लोग मल्टी कट ऐड कर देंगे, और वापस से हम लोग सेलेक्ट सिमिलर, सिमिलर में जाएंगे, ये अप्लाई हो गया हर जगह पे, सेलेक्ट कर देंगे और कंट्रोल बी,
इसे सेलेक्ट किया और यहाँ हम लोग कर देंगे डुप्लीकेट फेसेस। यहाँ पे से हम लोग फिल होल कर देंगे, ये कुछ ऐसा हो गया हमें, और इसके सारे जो एजेस हैं उन्हें हमें सेलेक्ट कर देना होगा। हमने यहाँ पर एक फेस सेलेक्ट किया, फेस लूप को हमने सेलेक्ट किया और इसे एक्सट्रैक्ट कर दिया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ देखिए हमें यहाँ पर एक ऐसा अंदर की तरफ कट मिल देखने को मिल रहा है, तो इसे बनाने के लिए हमने क्या किया, इसे यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर दिया डायरेक्ट, इसे आइसोलेट कर लेंगे। हमने क्या किया, इसे अंदर की तरफ से एक्सट्रूड कर दिया इस एरिया को। इसे मैन्युअली क्या करेंगे, थोड़ा सा अंदर की तरफ ऐसे कर देंगे। इसे कंपोनेंट मोड में ले जाएंगे, इसे थोड़ा अंदर की तरफ इस तरह से कुछ सेलेक्ट कर देंगे, कंपोनेंट मोड, ठीक है। सेम काम हम लोग यहाँ भी करेंगे। तो गाइस हमने यहाँ पे इसे बना लिया, जो अंदर की तरफ हमें ये एक फेस एक्सट्रूड अंदर की तरफ दिख रहा था, तो ये भी हमने बना दिया है इसे। और इस वाले को क्या करेंगे हम लोग, अंदर की तरफ थोड़ा डाल देंगे।
अभी देखिए ये ऊपर का जो एक रिंग है हम लोग उस जैसा एक शेप बनाएंगे यहाँ पर। अभी क्या करेंगे हम लोग, ये जो आप देख रहे हैं ये गोल बॉल जैसा कुछ शेप है, हम उसे बनाएंगे। तो ये जो बॉल वाला शेप है इसे हम बाद में बनाएंगे, पहले इसके इस हैंडल को बनाते हैं जहाँ पे ये पिन अटैच्ड है, हम ये चीज़ पहले बनाएंगे। ठीक है, इसे एक बार टॉप व्यू में हम लोग ले जाएंगे और इसे क्या करेंगे यहाँ पर लगा देंगे। और यहाँ पे इसका जो फेसेस हैं साइड वाले फेसेस ये वाले, इसे हम कर देंगे डिलीट। ठीक है, और एक बार फिर से टॉप में जाएंगे और इसका जो पिवट पॉइंट है इसे हम लोग यहाँ पे सेट कर देंगे, और कंट्रोल शिफ्ट डी, कंट्रोल शिफ्ट डी करेंगे तो वो क्या होगा उस जगह पे मिरर हो जाएगा। अब इन दोनों को सिलेक्ट कर लें और इसे कंबाइन कर देंगे, और फिर इसके जो सारे वर्टेक्स हैं उन्हें हम कर देंगे मर्ज। ठीक है, अभी एक हो गया, अभी देखिए हमारा वो शेप मिल रहा है। यहाँ पे ये थोड़ा ऐसे डाउन है तो हम क्या कर सकते हैं, इसे फ्रैक्शन को बढ़ा दीजिए आप। अभी देखिए हम लोग क्या कर देंगे, इस पूरे एज को सिलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा इसे ऊपर कर लेंगे, ये थोड़ा ठीक लग रहा है यहाँ पे। और इस वाले को क्या कर देंगे, थोड़ा आगे कर देते हैं, नाउ लुक्स बेटर। ऐसे थोड़ा आगे की तरफ हम लोग एक्सट्रूड कर देंगे, दोनों को सिलेक्ट किया और शिफ्ट प्रेस करके इसे हम लोग यहाँ पे एक साथ मर्ज, इसे मर्ज कर देंगे। बट अभी अगर आप देखें तो इन दोनों में आपको जो फेसेस हैं वो अभी भी सिलेक्टेड हैं, फेसेस वहाँ पे ही मौजूद हैं, तो उसे हम क्या कर देंगे डिलीट कर देंगे, और फिर यहाँ पे वर्टेक्स को मर्ज कर देंगे। ठीक है, क्या होता है कि अगर ये वाले फेसेस अगर अंदर में फेसेस अगर इसके रहते हैं तो ये मैश को ख़राब करता है। अभी देखिए अंदर में कोई इसके फेसेस नहीं है, इसलिए मैंने उसे डिलीट कर दिया कीबोर्ड में डिलीट बटन दबाकर। ठीक है जी,
इसे भी हम लोग क्या कर लेंगे ना, यहाँ से ऐसे एक्सट्रूड कर देते हैं, इसमें भी डिलीट बटन दबा के उसे डिलीट कर देंगे। अभी देखिए ये मर्ज नहीं हो रहा यहाँ पे, अभी और एक यहाँ पर मैं ले रहा हूँ क्यू। एक चीज़ यहाँ पर एक प्रो टिप आप याद रखें, जब भी आप कोई स्फेयर या कुछ इस तरह का सिलेंड्रिकल शेप बनाना चाहें ना, तो डायरेक्ट सिलेंडर मत लीजिए, ठीक है। डायरेक्ट सिलेंडर या स्फेयर आप मत लीजिए। क्या होता है, अगर सपोज़ करिए मैं यहाँ पर एक सिलेंडर ले लेता हूँ और साथ ही मैं एक यहाँ से स्फेयर भी ले लेता हूँ। देखिए प्रॉब्लम ये होता है ना कि जो ऊपर वाला फेस होता है ना, यहाँ पे ट्राइंगल्स होते हैं, ठीक है, जिस तरह यहाँ पे ट्राइंगल्स होते हैं, तो फिर क्या होता है कि आपने उसको ले लिया और काम करना शुरू कर दिया और फिर आखिर में आपको ये ट्राइंगल्स को हटाना पड़ सकता है, तो ये अलग झमेला होता है। उससे बेहतर ये है कि आप एक क्यूब ले लें और उसको आप कर दीजिए सब डिवाइड, 1 2 3 तीन बार कर लीजिए, ये सब डिवाइड हो गया और ये बन गया एक स्फेयर। अगर आप देखें तो ये बिल्कुल क्वाड में स्फेयर बना है और ये सबसे बेहतर स्फेयर होता है, ठीक है। ये आप कर लीजिए और यहाँ देखिए ये थोड़ा सा चपटा वाला शेप है, तो मैं क्या कर रहा हूँ इसे यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और यहाँ कर दूंगा मैं डिटैच कंपोनेंट और सारे फेसेस सिलेक्ट और डिलीट। डिटैच करने से क्या होता है कि वो पार्ट जो होता है वो बिल्कुल अलग हो जाता है। अभी मैं इसे यहाँ लेके जाऊँगा, इसे छोटा करूँगा, से अंदर की तरफ ऐसे, कंट्रोल शिफ्ट डी, और सेम चीज़ को हम यहाँ भी कॉपी कर देंगे। ये हो गया और यहाँ पे अभी हमने सपोर्टिंग एजेस नहीं लगाए, तो हम सपोर्टिंग एजेस भी लगा देंगे। इससे बेहतर है सारों को आप सिलेक्ट कर लीजिए एक बार में। सब सिलेक्टेड हो गए, इन्हें हम अनसेलेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे हमें सपोर्टिंग एजेस नहीं चाहिए। एक बात आप याद रखें, सपोर्टिंग एजेस हमेशा वहाँ लगाए जाते हैं ना जहाँ पे जंक्शन है, जिस जगह पे आप देख रहे हो कि मल्टीपल एजेस जो हैं वो कोलाइड कर रहे हैं, एक साथ इंटरसेप्ट कर रहे हैं, जहाँ जंक्शन बन रहा है वहाँ पर ही हमें सपोर्टिंग एजेस, मतलब क्या है कि वहाँ पर ही सपोर्टिंग एजेस लगाने पड़ते हैं। और ख़ासकर जब आप बेवल की मदद से सपोर्टिंग एज लगा रहे, तो अब ये बहुत ज़्यादा क्रूशल हो जाता है कि आप उस जगह पे ही लगाएं जहाँ जंक्शन है। जैसे इस पॉइंट को देख लीजिए, ये पॉइंट जो है यहाँ पे जंक्शन क्रिएट हो रहा है इतने सारे एजेस का, यहाँ हो गया,
इसके पीछे देख लीजिए, 1 2 3 4 5, इन सबका यहाँ जंक्शन है। सेम उसी तरह इस एरिया में भी आप देख लीजिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, जहाँ पे भी आपको जंक्शन नज़र आ रहा है वहाँ पे आपको बेवल करने के लिए एजेस सेलेक्ट करने होंगे, वहाँ पे सपोर्टिंग एजेस लगाने होंगे। लेकिन इन जगहों पे देखें तो यहाँ कोई जंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ बस सिंगल एक है। ये जो जंक्शन है इसे आप जंक्शन मत समझिए, क्योंकि ये बस दो एजेस हैं जो आपस में इंटरसेक्ट करके जा रहे हैं, ये जंक्शन नहीं कहलाएगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, इन्हें यहाँ से हम लोग डीसेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये डीसेलेक्ट हो गया, सिर्फ जंक्शन वाले रीजन में ही हमें क्या करना है, बेवल करना है। तो बस सेलेक्ट करें और कंट्रोल बी, थोड़ा सा इसके सेगमेंट्स को बढ़ा दीजिए पहले और फ्रैक्शन को घटा दीजिए। लगभग मैं इसे 0.2 कर रहा हूँ। ठीक है, अब एक बार अगर हम इसे स्मूथ करके देखें, देखिए कितना प्यारा सा लग रहा है ना। और रही बात इस जगह की, अगर यहाँ आप देखें तो ये बहुत ज़्यादा गोल नहीं लग रहा है, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगर आपको इसे आप ऐसे भी कर सकते हो, इसे थोड़ा सा ओके। तो अभी ये हमारा बिल्कुल स्मूथ हो गया। ठीक है जी, और ये जो है ना यहाँ पे ये पार्ट, इसे हम क्या करेंगे, इसे हम एक स्फेयर की मदद से बना देंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि स्फेयर जब भी हमें यूज करना हो तो हमें क्यूब को लेकर सब डिवाइड करना है, तो सब डिवाइड कर लीजिए 3 बार में। इसे अंदर डालते हैं, थोड़ा तो सा इसको बड़ा कर लेते हैं, करीब इतना ही रखते हैं। इसे थोड़ा डाउन कर देते हैं अंदर की तरफ में। ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे इसे डिटैच करेंगे एंड जस्ट डिलीट, इसे स्ट्रेट कर देते हैं। ये हो गया। इस वाले को थोड़ा ऊपर की तरफ ले जाते हैं, ये और ये तीनों को। वैसे मुझे लग रहा है कि मैंने ऊपर वाला ये जो है ना, ये थोड़ा छोटा बना दिया है, तो कोई टेंशन नहीं है, आप इसे बढ़ा कर सकते हैं अपने मर्जी के मुताबिक। और इसे मैं यहाँ लगा देता हूँ। अभी आप देखें ये बहुत सही लग रहा है। तो अभी हम लोग यहाँ से बनाना शुरू करेंगे इस वाले पार्ट को। सेम प्रोसीजर हमारा रहेगा, पहले हम लोग एक बॉक्स ले लेंगे। ये बॉक्स यार इसके अंदर छूट गया। अच्छा, ये वाला जो मॉडल हम लोग बना रहे हैं, इसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग इस पे अनरैप वाला एक ट्यूटोरियल में डालूंगा, जहां हम लोग इसका अनरैपिंग करेंगे। और फिर उसके बाद एक सब्सटेंस पेंटर वाला एक ट्यूटोरियल आएगा, जहां हम लोग टेक्सचरिंग करना सीखेंगे। तो मैं इसे ऐसे रखता हूँ।
दोस्तों, ये जो आप नंबर देख रहे हैं इसे हमने अभी यहाँ नहीं बनाना है। हम लोग क्या करेंगे कि जब सब्सटेंस में इसे टेक्सचर करने का वक्त होगा तो हम लोग ये नॉर्मल मैप या हाइट मैप के थ्रू हम लोग ये बना सकते हैं। ये जो नंबर है ये देखिए, बेसिकली ये इम्बॉस करके बना हुआ है। रियल लाइफ में क्या होता है, अगर आप इस तरह कोई स्ट्रक्चर देखते हैं तो वो क्या कहते हैं उसे, वो मेटल प्रेस के थ्रू इस तरह के जो डिज़ाइन होते हैं उनको बनाया जाता है मेटल प्रेस के थ्रू। इस तरह का अगर कोई डिज़ाइन है तो आप मॉडल में ना बनाएं, उसको आप टेक्सचर में बनाने की कोशिश करें। ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक होल है, इसे हम लोग बाद में यहाँ से बना लेंगे। तो फिलहाल हम लोग अभी बाकी के पार्ट को बना लेते हैं, बाद में फिर वो होल बना लेंगे हम लोग। ये लोग हो ना, तो बहुत अच्छा हेड किया स्टोइक मैन कम्युनिटी। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक स्लाइड एज टूल के नाम से एक ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करेंगे। ये क्या कर सकता है, आपके एज को ऐसे स्लाइड कर सकता है जस्ट, ठीक है।
दोस्तों अगर आपको इस तरह का कोई प्रॉब्लम आ जाए, जैसे आप ब्रिज कर रहे हैं और यहाँ आप इस तरह का कोई प्रॉब्लम आप देखने देख रहे हैं, तो इसका सिंपल सॉल्यूशन ये होता है कि ये जो फेस है इसमें कोई मटेरियल नहीं है। तो इसके लिए आप क्या करें, एक बार वही मटेरियल जो आप इसमें यूज़ कर रहे हैं उसको अप्लाई कर दें। अभी देखिए ये सॉल्व हो गया इशू और ये हमारा ऐसा बन गया, सेम इस जैसा ही एक यहाँ पर भी है। अच्छा दोस्तों ये चीज़ यहाँ पे आप ध्यान देने वाली चीज़ है, इसे ज़रा यहाँ ध्यान से समझें। जब भी आप ऐसे मर्ज करते हैं ना वर्टेक्स को, तो जो इस तरह के जो वर्टेक्स होते हैं जो बहुत आपस में करीब करीब हैं, बहुत चांस है कि वो आपस में ही मर्ज कर जाते हैं। तो बहुत ध्यान से आप करें और इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें कि अगर आप ऐसे मर्ज कर रहे हैं तो एग्जैक्टली इसका आधा होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हो जाए तो समझ लीजिए कि आसपास के जो वर्टेक्स हैं वो भी आपस में मर्ज कर गए हैं। तो इसका ध्यान देखें, तो ये 108 था और ये 50 हो गया, मतलब आसपास के कहीं ना कहीं कोई वर्टेक्स मर्ज कर गए। यहाँ देखिए ये सारे वर्टेक्स आपस में मर्ज करते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, थ्रेशोल्ड वैल्यू को आप एडजस्ट करके देख सकते हैं। अभी देखिए 108 था तो यहाँ 54 हो गया, 54 हो गया, तो ये सही है। तो थ्रेशोल्ड वैल्यू को थोड़ा एडजस्ट करके आप देख सकते हैं। ओके देन, तो हमारा ये कंप्लीट हो गया, ये वाला जो हिस्सा है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। ये देखिए अभी सेम हमें इशू देखने को मिल रहा है, ऊपर में ग्रीन हो गया है, तो वहाँ एक्चुअल में जो मटेरियल है वो वहाँ पे अटैच नहीं है, मटेरियल कोई फिट नहीं है वहाँ पे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, जस्ट आप इसमें एग्जिस्टिंग मटेरियल को ही अप्लाई कर दें तो वो वहाँ पे क्लियर आउट हो जाएगा।
ओके गाइस, तो यहाँ पे हमने अपना पूरा मॉडल कंप्लीट कर दिया। तो आप देख सकते हैं इसके रिंग्स बन गए, बॉडी बन गया, सारी चीज़ें हमने बना ली। ओके, से हम सारी चीज़ें हमने बना ली हैं। एक काम तो कर सकते हैं, इसको स्मूथ सरफेस में अगर देखना है तो जस्ट थ्री प्रेस करें और देख सकते हैं आप, बिल्कुल बढ़िया सा हमारा मॉडल बन गया। तो यहाँ पे हमारा मॉडलिंग का ट्यूटोरियल कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग इसी को अनरैप करेंगे अपने सेकंड वीडियो में, सेकंड ट्यूटोरियल में, और फिर उसके बाद थर्ड ट्यूटोरियल में हम लोग इसकी टेक्सचरिंग स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलूंगा आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।